अब तो मोदी साहब के बारे में जो है वो ये वाला फिक्रा बोलना चाहिए कि सो जा बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। दोस्तों, भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा जी, अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में चले जाएंगे तो हम पाकिस्तान में उनके पीछे जाएंगे। राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। उन्होंने कहा अगर आतंकी किसी पड़ोसी देश से हमारे यहाँ आतंक फैलाएंगे, चाहे वो पाकिस्तान से ही क्यों ना हो, तो हम घुसकर आतंकियों को मारेंगे। समझ रहे ना आप लोग? जी हाँ, कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से जी भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहाँ पर जी आतंकवादी हरकतें करेगा, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, घर में घुस कर मारेगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच। यानी मोदी जी हद हो गए, यानी अपने लोगों को आप चंद्रयान पे भेज रहे हैं और हमारे लोगों को आप 72 के पास भेज रहे हैं, मतलब ये कौन सा तरीका है भाई? कि ये मोदी जो है ये नया भारत है एंड मोदी साहब अब बदल चुके हुए और अब हम घर में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान में दहशत गर्दों को घुस के मारेंगे। पाकिस्तान के इशू पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने यहां तक कहा कि पाकिस्तान जो कभी दहशतगर्दी करता था अब उसके पास खाने को रोटी नहीं। इंडिया ने अपने टॉप टेररिस्ट को इधर आकर ठोका मारा और हमारे खबर चलती है कि भाई टारगेट किलिंग होगी, बंदा मर गया, आज तक कोई पकड़ा गया बताएं? जी जी, कभी भी कोई पकड़ा नहीं गया। राजा जी, चाइना से थोड़ा पाकिस्तान की ओर मुड़ते हैं। अभी कल ही जो है गार्डियन, फॉरेन पब्लिकेशन है गार्डियन, उसमें एक आर्टिकल आया है, उसमें कहा है, उस आर्टिकल ने कहा है कि जो है भारत ने पाकिस्तान की धरती में 20 लोगों को, 20 इंडिविजुअल्स को, टेररिस्ट को जो है पिछले कुछ सालों में मारा है, उन्हीं की धरती में जाके मारा है। और जो है इस पर तमाम क्या कहते हैं, उन्होंने बहुत रिसर्च की है, बहुत लोगों से बात की है। ये पहले हम लोगों के बारे में कनाडा में भी बोला गया, यूएस में भी ये चर्चा हुई पहले, पर पाकिस्तान की ये नई चर्चा है 20 लोग। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि ये क्या, उस आर्टिकल में ये भी कहा है कि जो है भारत जो है KGB और मुसाद से जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है, तो उनकी भी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ वगैरह इस तरीके का काम कर रही है, कोई स्लीपर सेल है UAE में, उसने जो है इसमें उसका रोल रहा है, और 20 लोगों को, मतलब एक आध लोग नहीं, 20 टेररिस्ट को जो है हमने कुछ सालों में मारा है। 20 टेररिस्ट को मारा? हाँ जी, मतलब टेररिस्ट कह लीजिए, लोगों कह लीजिए, पर वहाँ उनके पर उनकी धरती में मारा है। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहाँ पर जी आतंकवादी हरकतें करेगा, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, घर में घुस कर मारेगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है, और यह ताकत है भारत की, और पाकिस्तान भी इसे समझने लगा है। वैसे भारत बराबर अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है, चाहे कोई भी हमारा पड़ोसी देश है। और आज देखा होगा आपने, पास्ट हिस्ट्री उठाकर देखिए कि आज तक न तो हमने दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है, अथवा आक्रमण की कोई पहल की हो, कभी नहीं किया, और न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर हम लोगों ने कभी कब्जा करने की कोशिश की है। यह भारत का चरित्र रहा है जी। लेकिन भारत को बार बार कोई आंख दिखाएगा, भारत में आकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा कर देने की कोशिश करेगा, तो उसकी खैर नहीं है। उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा है कि भाई हम तो, और तो सवाल किया गया उनसे कल वाली अखबार के हवाले से, उन्होंने कहा जी अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में चले जाएंगे तो हम पाकिस्तान में उनके पीछे जाएंगे, ये उन्होंने कहा। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक स्टेटमेंट देख रहा था कि ये मोदी जो है ये नया भारत है एंड मोदी साहब अब बदल चुके हुए हैं और अब हम घर में घुस के मारेंगे। अब हर तरफ जो है कृष्णा एच हैं, शिवसेना के, अब और भी बहुत सारे लोगों की देख रहा था, BJP के जो स्पोक्स पर्सन है उनको भी मैं देख रहा था, सारे के सारे एक ही बात कर रहे हैं। वी अंडरस्टैंड देयर आर इलेक्शंस इन इंडिया बट दिस इज वेरी डिफरेंट। के उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया राजनाथ सिंह साहब ने, उसने कहा अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में जाएंगे हम उनको फॉलो करेंगे और उनको हम उनकी ज़मीन पे जो है वो मारेंगे, और नरेंद्र मोदी साहब ने इसके हवाले से सच करके दिखाया, आपको पता ही है माजी में उन्होंने करके दिखाया था, और इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है और पाकिस्तान ने अब रियलाइज करना शुरू कर दिया, पाकिस्तान हैज ऑल्सो स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट, ये वो कहते हैं कि उन्होंने रियलाइज करना शुरू कर दिया। ये जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन को के जो अंदर आर्टिकल आया उसको इंडियन गवर्नमेंट जारी बात है रिजेक्ट करती है और सारे को
कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, असैसिनेशन कंपेन नहीं कर रहे, वो सारा दैट इज़ पैक ऑफ लाइज सो एंड सो, जिस तरह वो एक हुकूमत का काम होता है कि दिस इज़ फॉल्स एंड मलिशियस एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा। इंडिया की जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये बातें की हैं और उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये हमारी पॉलिसी नहीं है, ये इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, हम इस तरह नहीं करते। लेकिन इंडियन मीडिया के सामने बार बार एक चीज़ कहना और फिर ये कहना कि जो आज़ाद कश्मीर है, जिसे वो कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो कहते हैं दैट इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड दैट विल ऑलवेज रिमेन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, जिसे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, वो भी इंडिया के साथ आना चाहते हैं। और उन्होंने इसकी जो लॉजिक वो ये इस्टेब्लिश की, वो कहते हैं जब हमने 370-35A के आर्टिकल को एब्रोगेट किया तो उसके बाद आपने देखा होगा कि मकबूजा कश्मीर के अंदर बहुत कम जो डेमोन्स्ट्रेशन हुए, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि चीज़ें कितनी हमारे कंट्रोल में हैं और हमारे एक्शंस को सपोर्ट किया जा रहा है। सो दिस इज़ वॉट इंडियन डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, अमित शाह साहब भी ये कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी ये कह रहे हैं, पाकिस्तान की पोलिटिकल क्लास तो साइलेंट है। पाकिस्तान में दहशतगर्दों को घुस के मारेंगे, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं घुस के मारेंगे, इससे पहले इंडिया की तरफ से ये भी कहा जा चुका है कि पाकिस्तान को घुस के मारा। ये कोई नई स्टेटमेंट इसलिए नहीं है कि इससे पहले ना सिर्फ राजनाथ सिंह साहब बल्कि नरेंद्र मोदी साहब भी इसी टॉपिक पर बात कर चुके हैं। पाकिस्तान के इशू पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने यहां तक कहा कि पाकिस्तान जो कभी दहशतगर्दी करता था, अब उसके पास खाने को रोटी नहीं। देखिए किस तरफ हमने इनको ला खड़ा किया है, कहां पर ला खड़ा किया है कि इनके पास अब इनको दाल चावल की फिक्र है, अब इनको खाने की रोटी की फिक्र है, अब दहशतगर्दी आप भूल जाएं। तो राजनाथ सिंह की ये स्टेटमेंट, उन्होंने अपने एक टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान ये बात कही, जिसमें जो कि CN18 न्यूज चैनल जिस पे उनके इंटरव्यू के दौरान उनसे ये सवाल किया गया, क्योंकि एंकर जो थे उन्होंने उनसे सवाल किया कि ये कहा जा रहा है, गार्डियन की रिपोर्ट आई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है कि पाकिस्तान के अंदर 20 लोगों की हलाकतें हुई हैं और ये बात कही जा रही है कि आपकी तरफ से जो है वो इंडिया की तरफ से मारा गया उनको। तो उन्होंने कहा कि लोग या दहशतगर्द, इसलिए मैंने कहा या, क्योंकि उन्होंने इस्तेमाल किया लोग या दहशतगर्द। और इसके ऊपर राजनाथ सिंह साहब की तरफ से ये नहीं कहा गया कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये हम पे हमारे ऊपर झूठा इल्जाम है, ये क्या आप कह रहे हैं और कोई भी उठ के मुंह उठा के हमें ये कह देता है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो लोग या दहशतगर्द की खैर नहीं है। तो बेटा सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। अब तो मोदी साहब के बारे में जो है वो ये वाला फिक्रा बोलना चाहिए कि सो जा बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। अच्छा अब ये आपको पता ही है शोले फिल्म का बड़ा मशहूर डायलॉग है, लेकिन ये उन्होंने कहा है खैर नहीं है उसकी कि जो हमारी तरफ आंख उठा के देखेगा और हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये उनका कहना था। राजनाथ सिंह की इस स्टेटमेंट, ये जो उन्होंने बातें की हैं इस सवाल के जवाब में पाकिस्तान के हवाले से, उसमें दो तीन नुकते बड़े अहम हैं। अगर आपने गौर से सुना हो, उन्होंने एक बात ये कही कि पाकिस्तान भी अब इसको अंडरस्टैंड कर रहा है। ये बात उन्होंने क्यों कही? ये बात इसलिए कही कि अब पाकिस्तान की तरफ से ये वाला सवाल उठ रहा है, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हलाकतें हो रही हैं और उनके पीछे, उन हलाकतों के पीछे इंडिया का हाथ है। उनका ये कहना कि पाकिस्तान अंडरस्टैंड कर रहा है, इसका मतलब ये है वो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान पे इसका असर हो रहा है।